हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल यूनिक ऑनलाइन पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं टेंथ के सिलेबस की। और टेंथ में हम लोग क्या करेंगे, मैथमेटिक्स के सिलेबस की बात करेंगे, क्योंकि कल कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से कल हम जो वीडियो अपलोड हो रहा था, जो हम लोग कल लाइव क्लास पढ़ रहे थे, वो क्लास पूरी अपनी कंप्लीट नहीं हो पाई थी कल। एक्चुअली मुझे पहले स्टार्टिंग यही बताना था, तो इसलिए पहले आज हम लोग सिलेबस देख लेते हैं, ठीक है। और साथ में इसके आपको मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा आपके साथ। आपके पास पीडीएफ भी आपको मिली होगी, आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में हमने पीडीएफ को सेंड करा है, ठीक है। तो आप सब लोग उस पीडीएफ को भी देखिएगा, साथ में इसको थोड़ा सा एक बार स्ट्रक्चर, रफ स्ट्रक्चर समझ लीजिए कि कैसे कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। ये क्या हुआ था, 2 अप्रैल को एक दूसरा आया था, सीबीएसई का नोटिफिकेशन आया था, जिसमें उन्होंने अपने सिलेबस को डिक्लेयर किया था, जो 2020 और 2021 का सिलेबस होने वाला है, ठीक है। एक्चुअली देखिए क्या होता है, मैं बता दूँ कुछ बातें आपको। टोटल आपको 100 मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है। टोटल आप कितना है आपका, 100 मार्क्स है। इस 100 मार्क्स में से 80 मार्क्स आपके क्वेश्चन पेपर का होगा और 20 का होगा ये इंटरनल होगा, जो आपके स्कूल वाले देंगे। इस बात को ध्यान समझिएगा। टोटल आपका कितना है, आपका टोटल है 100 मार्क्स, जिसमें से 80 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा, जो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, और जो आपका 20 मार्क्स मिलना है ये मिलना आपके स्कूल से। और आपके स्कूल से मिलेगा कितने, 4 सेगमेंट में ये मार्क्स मिल रहे हैं, 4 सेगमेंट में ये मार्क्स मिल रहे हैं। पहला जो सेगमेंट होगा वो आपका जो PT होता है, जो पीरियोडिक टेस्ट होते हैं आप लोगों के क्लास में होते हैं, वहाँ से आपके मिलने हैं 5 मार्क्स, वहाँ से मिलने हैं 5 मार्क्स। मीन्स पहला 5 मार्क्स वहाँ से मिलेगा, जो आपका पीरियोडिक टेस्ट होना है। दूसरा जो होगा, जो आपका मल्टीपल असिस्टेंट होगा। मल्टीपल असिस्टेंट क्या होता है, मल्टीपल असिस्टेंट में मे भी मान लीजिए कुछ सर आपसे अलग से कुछ स्किल टेस्ट वगैरह करा सकते हैं, तो मल्टीपल जो असिस्मेंट होगा वहाँ से आपको मिलने हैं 5 मार्क्स। ये हो गए। अगले जो 5 मार्क्स आपको मिलने हैं, वो मिलने कि आपने कॉपी कैसी बनाई है, ठीक है। आपके जो नोट्स रिकॉर्ड हैं, आपने जो नोट्स रिकॉर्ड बनाया है वहाँ पे मिलेंगे 5 मार्क्स। और जो लास्ट 5 मार्क्स मिले वो आपके मिलेंगे किस पे, आपकी स्किल पे मिलेंगे, आपके लिसनिंग पे मिलेंगे, आपकी कह सकते हैं आपकी स्किल कैसी है, आपकी लिसनिंग कैसी है, ठीक है। तो ये कुल मिला के हो गए आपके 20 नंबर। तो ये 20 नंबर आपके जो आपके स्कूल से मिल सकते हैं, ठीक है। अगर आपका आपके स्कूल में व्यवहार ठीक है, आपके स्कूल अगर चाहेंगे तो आपको ये 20 में 20 मार्क्स मिल सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और CBSE भी सीधे कह दिया है कि जो स्कूल के टीचर्स हैं, जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, अगर बच्चा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में है तो उसको इस 20 में से आउट ऑफ 20 आप दे सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब बात होती है इस 80 मार्क्स की, ठीक है। ये जो 80 मार्क्स होता है ये हमारे लिए चूंकि मेजॉरिटी होता है, और CBSE ने ये भी कहा कि दोनों में आपको अलग अलग पास होना है। मीन्स यू हैव टू स्कोर 33% इन बोथ सेक्शन, 33 आपको दोनों जगह से स्कोर करना है, ठीक है। अब आप सोचिए कि आपको कहाँ से कितने मार्क्स गेन करने हैं, आपको खुद को अपनी स्ट्रैटेजी एक बनानी है कि इधर वाले सेक्शन में आप कितना ज़्यादा मार्क्स गेन करें, ताकि आपका ओवरऑल जो व्यू हो, ओवरऑल जो मार्क्स हो वो आपका बढ़िया हो। मतलब आपको स्कूल में भी अच्छे रहने हैं, मतलब कॉपी वगैरह भी ठीक ठाक मेंटेन करनी है और मेहनत भी करना है। दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है हार्डवर्क, ठीक है, एक होता है हार्डवर्क और दूसरा होता है स्मार्टवर्क। तो अब हम लोग जो काम करने वाले हैं ना, हम लोग अब जो पढ़ने वाले हो क्या करेंगे, हम लोग अब स्मार्ट वर्क करेंगे। अब हार्ड वर्क का ज़माना समाप्त हो चुका है, अब हार्ड वर्क का टाइम नहीं है। अब क्या करना हम लोगों को, अब हम लोगों को करना स्मार्ट वर्क काम करना, अब डिप्लोमेटिक वे में स्टडी करनी है। अब क्या करनी है स्टडी, अब जो हम लोग पढ़ाई करेंगे वो डिप्लोमेटिक करेंगे, एक डिप्लोमेसी बना के करेंगे, जिसका निर्धारण हम खुद करेंगे अपने स्तर पर, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे कि इस बार हम लोगों का सब कुछ क्या हो, एक सीक्वेंस में चले, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और मैं इस बात की गारंटी भी लेता हूँ कि पूरा सिलेबस आपका मैं पढ़ाऊंगा, जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है तब तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद भी जो होगा अपना सेम टाइम पे अपना ये क्लास कंटिन्यू रहेगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई इफ और बट नहीं है। कोशिश करूंगा कि हम लोग सारे टॉपिक्स को क्लियर करें। आइए देख लेते हैं, पहला जो हमारा होता है नंबर सिस्टम, टोटल क्या किया इन्होंने, NCERT की बात हो रही है, यहां पर याद रखिएगा NCERT। मैंने जो बुक रिकमेंड करी है आपको, या फिर CBSE ने जो बुक रिकमेंड करी है वो करी है आपको NCERT, CBSE ने भी करी है, ठीक है। CBSE ने आपको जो बुक रिकमेंड करी है और जो मैंने आपको कहा, जो आपको मैंने PDF में लिख के दिया है, वो आपको NCERT ही पढ़ना, कोई आपको और बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, NCERT आपको पर्याप्त प्रैक्टिस के लिए, आप जो भी किताब ले लीजिए, ठीक है, RD शर्मा ले रहे हैं, चांद ले रहे हैं, उसके अलावा आप RS अग्रवाल ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, लेकिन आप क्या करना है, बेसिकली आपको फॉलो किसको करना है, NCERT को फॉलो करना है। अब देखिए पहला जो हमारा नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम से हमें कितने मार्क्स मिलने हैं, नंबर सिस्टम से हमको मिलेंगे टोटल 6 मार्क्स। ये देखिए
टोटल 6 मार्क्स नंबर सिस्टम से मिलेंगे, जो हमारा पहला चैप्टर है, मतलब जो हमारा क्या है, ये हमारा चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर फर्स्ट है हमारा क्या, नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम से सीधे सीधे हमको मिल जाने 6 मार्क्स। अब बात आती है किसकी, हमारी अलजेब्रा की। अलजेब्रा में क्या क्या पढ़ने हैं, अलजेब्रा में हम लोगों को पढ़ने हैं पॉलीनोमियल्स पढ़ने हैं, अलजेब्रा में हम लोगों को पढ़ने हैं पॉलीनोमियल्स पढ़ने हैं, ठीक है। इसी में हम लोगों को पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मीन्स लीनियर इक्वेशन भी आपको यहीं पे पढ़ना है, और साथ में आपको पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है। ये सब कहाँ पढ़ना है, ये सब पढ़ना आपको अलजेब्रा के अंतर्गत, और ये जो आएगा आपके सेकेंड यूनिट का है ये, ठीक है। ये चार चीज़ें यहाँ पे पढ़नी है, और इसीलिए कितने मार्क्स का है, देखिए 20 मार्क्स का है ये, इसीलिए 20 मार्क्स। उसमें क्या क्या पढ़ने हैं, हमको पॉलिनोमियल्स भी पढ़ने हैं, लीनियर इक्वेशन भी पढ़ने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ने, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी पढ़ने हैं। ऐसे ही जो हमारा ज्योमेट्री का सेक्शन, अगर हम लोग बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, जो हमारी यूनिट थर्ड यहाँ पे है, इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हम लोगों के सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पढ़नी है, वो पढ़नी है लाइन पढ़नी है। यहाँ पे क्या पढ़ना है, सिर्फ लाइन पढ़ना है, सिर्फ लाइन पढ़ना है, ठीक है। लाइन्स, और वो भी किसमें, सिर्फ 2D में, लाइन्स हम लोग को 2D में पढ़ना है, और यहाँ से हम लोग कितने मिलने हैं, 6 मार्क्स मिलने हैं। देखिएगा ध्यान से, थोड़ा समझते चलिएगा कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कैसे। अगला जो हमारा पार्ट आता है वो आता है क्या, ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री में हम लोग क्या क्या पढ़ने हैं, ज्योमेट्री में पढ़ने हैं हम लोगों को ट्रायंगल पढ़ने हैं, ठीक है, ट्रायंगल पढ़ने हैं, फिर हम लोगों को इसमें सर्किल भी पढ़ना है, और एक चीज़ और पढ़ना, जो पढ़ना है कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, कंस्ट्रक्शन। तीन चीज़ें हम लोगों को पढ़नी ज्योमेट्री में, अपना ट्रायंगल चैप्टर पढ़ना है, सर्किल पढ़ना है, और कंस्ट्रक्शन पढ़ना है। आगे अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री की, तो ट्रिग्नोमेट्री में तो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे हम लोग, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज़ है, ये इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, हम लोगों को आइडेंटिटी पढ़नी है, और साथ में हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस, इतनी चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है। कहाँ पे, जो पढ़ना हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में, यहाँ पे 12 मार्क्स आने, इसी में एंगल ऑफ एलिवेशन वगैरह भी सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। आगे अगर हम चलें, हमारा जो मेंसुरेशन का सेक्शन है, तो मेंसुरेशन से हम लोगों के बनने हैं तीन चैप्टर्स, एरिया रिलेटेड टू सर्किल है, इसी में है एरिया रिलेटेड टू सर्किल, ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्किल है, और जो दूसरा चैप्टर बनना है यहाँ से वो बनेगा किसका, आप देखिए अपने PDF जो आपको मैंने भेजा है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यहीं से पढ़ना। और एक चीज़ और पढ़ना, जो पढ़ना है क्या हम लोगों को, नहीं, सिर्फ दो चीज़ें पढ़नी है, एरिया रिलेटेड टू सर्किल पढ़ना और सर्फेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ना है। अब बात आती है स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी की, यहाँ पर दो ही चीज़ें पढ़नी, स्टैट अलग से है, प्रोबेबिलिटी अलग से है, कुल मिला के 11 है। कभी कभी 5 मार्क्स का यहाँ से बनता है, 6 मार्क्स का यहाँ से बनता है, कभी कभी इसका अपोजिट हो जाता है। तो कुल हमें कितने मार्क्स यहाँ से मिल रहे हैं, टोटल हमारा जो ये वाला सेक्शन है ये कितने का है, ये हमारा 80 मार्क्स का, ठीक है। और इधर हम लोगों को 20 मार्क्स कहाँ से मिलेगा, 20 मार्क्स इंटरनल मिल रहा है, तो मींस अगर हम लोग एफर्ट करेंगे तो चाहे तो 100 आउट ऑफ 100 गेन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस थोड़ा सा अगर ये जो अपना ये 20 मार्क्स वाला, इसमें कभी कभी क्या होता है, स्कूल वाले मार्क्स थोड़ा कम देते हैं, ठीक है, तो वो अपनी जो मुझे नहीं पता आपका स्कूल का क्या सिस्टम चलता है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना कि वो आपके पर्सनल बिहेवियर वगैरह को भी टेक केयर करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अगर सब कुछ ठीक ठाक है, तो आप यहाँ पे अगर ठीक ठाक मार्क्स पा रहे हैं और यहाँ पे आप चाहें तो स्कोर कर सकते हैं खुद से एफर्ट करके, तो हम लोग मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। ये हमारा है टोटल कंप्लीट मैथ्स का सिलेबस। और अब हम लोग क्या करेंगे, शाम को 7 जो हम लोगों की लाइव क्लास चल रही है, वहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे, कहाँ पे, नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। नंबर सिस्टम हम लोग क्या पढ़ना है, रियल नंबर पढ़ना, पहला चैप्टर क्या है अपना, रियल नंबर है, तो हम लोग रियल नंबर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और एकदम टू द पॉइंट पढ़ेंगे। एक बार फिर से मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपको PDF नहीं मिला तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप वहाँ से हमको व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है तो आप कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ से भी नोट कर लीजिए, ठीक है, ऑफिशियल नंबर है, आपको यहाँ से PDF वगैरह जो भी दिक्कत होगी हम उसको प्रोवाइड कराएंगे,
हमने कोशिश किया कि आप सब लोगों को पीडीएफ मिल जाए सिलेबस की, हमने खुद से डिज़ाइन किया। पता होगा आप लोगों को इस समय लॉकडाउन चल रहा है, ऑपरेटर वगैरह सब लोग छुट्टी पे हैं, कोई नहीं है, मैं अकेले आप लोगों के लिए कोशिश किया हूँ सिलेबस डिज़ाइन करने का, और एकदम NCERT CBSE ने जो एक बनाया है सिर्फ एकदम एज इट इज़ एकदम सेम वही सिलेबस, ऐसे ही सिलेबस है, ठीक है। तो उसको सिलेबस को आप देखिए, उसको पढ़िए, खुद पढ़िए, समझिए, अगर कोई दिक्कत हो रही है उसमें तो आप मुझे बताइए, मैं उसको शॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा।